हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज फैमिली व्लॉग प्लस किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन जो फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिला उसे मैंने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, कैसे बनाया, किस तरीके से डिज़ाइन दी, आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं जल्दी। इसे आप चाहें तो एनिवर्सरी केक के डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे के जगह आप एनिवर्सरी का टैग लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिफरेंट और बिल्कुल सिंपल केक डिज़ाइन है, तो जो लोग सिंपल एंड सोबर केक के डिज़ाइन डिमांड करते हैं उनके लिए ये डिज़ाइन आप अपने कस्टमर को ज़रूर दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें ये डिज़ाइन और ये केक जो है बहुत ही पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब होने के चलते आप लोग तक वीडियो के थ्रू क्लियर आवाज़ मेरी नहीं आ पा रही होगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो के ज़रिए एटलीस्ट मैं कुछ नया आप लोगों को सिखा पाऊँ, जिससे आप कुछ इसे अपने एनिवर्सरी केक्स में ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सॉरी वंस अगेन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, क्रम कोटिंग करके केक को रख ली थी। मैं वैलेंटाइन डे के सारे केक्स में मैं क्रम कोटिंग तक का वीडियो नहीं शूट की हूँ, क्योंकि इसके वीडियोस पहले से भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं किस तरीके से सोक करना है, परफेक्ट क्लियरिंग करनी है। बाकी मैं सारे वीडियोस को क्रम कोटिंग के आगे से ही दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने बहुत ही थिन लेयर यूज़ किया है क्रीम का। एज़ ऑलवेज मैं बता चुकी हूँ कि कम क्रीम का यूज़ करें अपने केक में, तभी आपकी डिमांड केक की बहुत ज़्यादा होगी। ये जो कस्टमर के लिए मैंने केक बनाया था ना, वो मुझसे कम से कम 12 से 15 केक तो ले ही चुके होंगे। मीन्स जब से मैं केक वाला बिज़नेस स्टार्ट की हूँ, उनका हर एक ओकेज़न का केक मेरे यहाँ से ही जाता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई फ्रेंड्स। तो मैंने हार्ट शेप का ये बनाया है और रेड कलर का फॉन्डेंट मैं ली थी, उससे मैं हार्ट शेप को कट कर ली। जैसे पेपर में कैसे कट करते हैं उस तरीके से, आप जब फ्रेश फॉन्डेंट हो ना उस वक्त आप हल्का सा कट करेंगे ना तो इजीली ये कट जाएगा, शेप भी बहुत अच्छा हार्ट बन करके आएगा। उसके बाद मैं क्या की हूँ, ओपन स्टार वाला नोज़ल ले ली हूँ, जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिया था उसमें सेम इसी तरीके से बॉर्डर बना हुआ था, लेकिन वो सिंगल बॉर्डर था, छोटा केक था, मुझे थोड़ा इसे बड़े में बनाना था तो इसलिए मैंने ऐसा यूज़ किया। और फॉन्डेंट है तो आप इस पर कोशिश करें जैसे क्रीम का यूज़ ना करें, उसमें जो लिखा हुआ था वो क्रीम से था और रेड क्रीम बीच में किया हुआ था, बट ये फॉन्डेंट लगा देने से क्या हुआ ना, मुझे जो प्लेन करने का झमेला, जितना भी मेहनत था सारा बच गया, टाइम काफ़ी बचा इसमें। और फॉन्डेंट के ऊपर अगर गैनाश का यूज़ करेंगे तो हमारा कोई टेंशन भी नहीं है, क्रीम होने से दिक्कत भी होती लिखने में हर चीज़ में, बट इसलिए मैं फॉन्डेंट यूज़ की हूँ। इससे हमारा परफेक्ट फिनिशिंग भी आ गया और मैं यहाँ पर लिख भी दी, आई विल नेवर स्टॉप लविंग यू डियर कल्याणी। ये उन्होंने जो केक दिया था उसमें लिखा हुआ था और उन्होंने बोला था ये लिखने के लिए स्पेशली, अपना वाइफ का नाम के साथ बताया था। और साइड में मैं पिक शेयर कर रही हूँ, आगे वीडियो में आप बने रहे, उसमें मैं दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझे कैसा डिज़ाइन भेजा था और बोला था इसी से सिमिलर मुझे केक चाहिए, मतलब मिलता जुलता एग्जैक्टली नहीं, बट मैं ट्राई की कि मैं एग्जैक्टली बना पाऊँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रेड वाला जो एडिबल पर्ल होता है वो छोटा छोटा मैं ऊपर में स्प्रेड कर दी और नीचे भी सेम, इसमें कोई डिज़ाइन एक्स्ट्रा नहीं है, जो पहला बॉर्डर मैं बनाई हर्ट के बाहर वही सेम मैं आगे भी बनाई। इससे क्या हुआ, हमारे जो क्रम्स जो स्किन दिख रहे थे वो भी छुप गए, फिर सेम मैं नीचे भी बना दी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बिल्कुल सिंपल एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको ये 1 से 2 मिनट लगेगा ये केक डिज़ाइन करने में। इसमें कैंडल लगा दीजिए, जो टैग है वो लगा दीजिए, या फिर फॉन्डेंट से कपल काट करके वो सेंटर में आप रख सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं है तो। एंड लुक एट दिस, रियली वेरी ब्यूटिफुल, सिंपल येट ब्यूटिफुल। तो फ्रेंड्स, ये केक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बाद मुझे कपकेक्स की डिलीवरी देनी थी, तो उसे कैसे बनाना है वो मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं इसको किस तरीके से डेकोरेट की, सिंपल एंड ईजी की, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स थे और मुझे सबको एक साथ मैनेज करना था, सब 10-15 मिनट के ऊपर नीचे पे सबकी डिलीवरी टाइमिंग थी जब मुझे देना था। तो मैंने N1 नोज़ल लिया, उससे एक राउंड करते हुए हाफ और घुमा के ऊपर में एक डॉट स्टार होता है वो बस मैं छोड़ दी। इसी तरीके से करते हुए मैं सारे पे कर लूँगी, आप देख लूँगी एक राउंड देन हाफ और ऊपर में बस मैं स्टॉप कर दूँगी। फिर मल्टी कलर्स के जो एडिबल बॉल्स होते हैं वो सबसे मैं ऐसे डेकोरेट कर दूँगी। और आपके लिए कपकेक्स में
या केक के लिए भी एक टिप है कि अगर आपके पास रेड वेलवेट केक का ऑर्डर अगर आपके पास पहले से है या फिर कुछ ओकेज़न है जहां आप जानते हैं कि आपको आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, कप केक से कटोरी में कुछ भी छोटा सा केक बना ले, उसे अच्छे से ठंडा करके ड्राई कर ले, तोड़ करके थोड़े क्रम्स में, फिर पल्स मोड पे मिक्सर में मीन्स ग्राइंडर में उसे पूरा क्रम्स बना करके फ्रिज में आप कंटेन करके रख सकते हैं। जब भी आपको केक को कोट करना हो, हड़बड़ी है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो आप वो कोट करके ना मीन्स आपको स्मूथ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी केक में, वो ऑटोमेटिक एक डिज़ाइन बन के आएगा। तो इस तरीके से आप करें। ऐसे ही मैंने रेड वेलवेट में किया और थोड़े से क्रम्स ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट मेकिंग। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।